साउथ कश्मीर में शोपिया और पुलवामा में जो मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल्स है उनकी इनॉग्रेशन की गई, फिर आज श्रीनगर में इसकी ओपनिंग की गई। तो उसी के चलते असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि सर @ManojSinha, यू हैव ओपन सिनेमा हॉल्स इन शोपिया एंड पुलवामा बट वाई इज श्रीनगर जामिया मस्जिद शट ऑन एवरी फ्राइडे। तो जैसे उन्होंने ट्वीट किया कि अगर सिनेमा हॉल्स आपने खोले हैं तो हर फ्राइडे को जामिया मस्जिद क्यों बंद रहती है, और एटलीस्ट जामिया मस्जिद को बंद नहीं करें, जब आफ्टरनून मैटनी शो होगा उस वक्त तो जामिया मस्जिद को बंद ना करें। इस पर अभी श्रीनगर पुलिस का ट्वीट सामने आया है कि जामिया मस्जिद पूरी तरह से खुली हुई है और सिर्फ 3 ओकेजन पे उसे बंद किया गया था। एक जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद तमाम रिलीजियस प्लेसेस बंद कर दी गई थी तो जामिया मस्जिद भी बंद थी। वहीं टेम्परेरली फ्राइडे नून प्रेयर्स के लिए उसे बंद किया गया था जब इनपुट्स थे कि वहां पर कोई टेरर अटैक हो सकता है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए जामिया मस्जिद को फ्राइडे प्रेयर्स के लिए बंद किया गया था। अब श्रीनगर पुलिस ने यह भी मेंशन किया है, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जामिया अथॉरिटीज ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि कुछ भी अंदर हो रहा है या होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया टेम्परेली उसे बंद रखने का। तो श्रीनगर पुलिस का ये ट्वीट आया है और साथ ही ये जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं जिसपे असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट किया है कि जामिया मस्जिद बंद रखी है तो सिनेमा हॉल्स क्यों ओपन रख दिए, तो उससे श्रीनगर पुलिस ने ये क्लियर किया है कि जामिया मस्जिद पूरी तरह से ओपन है, फ्राइडे प्रेयर्स भी वहां पर होती हैं, और अगर बंद की भी थी उसके पीछे भी कारण था, एक कोविड था, कभी इनपुट से टेरर अटैक के या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए था। और वहीं पर सोशल मीडिया पर इससे हर जगह पर यही कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं उसके उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें क्योंकि हर कोई जानता है कि जामिया मस्जिद पूरी तरह से ओपन है। ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए जी न्यूज़ पॉइंट।